हेलो फ्रेंड्स, आज हम जावा में लूप या आइटरेशन कंस्ट्रक्ट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लूप क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से हैं और उनके सिंटैक्स क्या है। फिर देखते हैं कि एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है, और इन्हें समझने के लिए हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन से प्रोग्राम के लिए हमें कौन सा लूप लिखना चाहिए। फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट देखेंगे जहां हम रिटर्न, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को किस तरह से यूज किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। फिर लेबल लूप देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कुछ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स बार बार लिखना चाहते हैं तो हमें लूप लिखना होगा। जावा में चार टाइप के लूप है, डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। इसमें से हम इस वीडियो में पहले तीन टाइप देखेंगे, क्योंकि फॉर ईच लूप एरे या कलेक्शन पे काम करेगा, तो उसे एरे वीडियो के बाद में देखेंगे। अब इन लूप्स का सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि डू व्हाइल लूप का जो कंडीशन है वो ब्लॉक स्टेटमेंट लिखने के बाद लिखा है, यानी कि ये जो लूप है ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। मतलब ये लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के बाद में कंडीशन चेक करेगा। अब क्योंकि व्हाइल लूप और फॉर लूप ये दोनों में ही ब्लॉक स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन होने के पहले कंडीशन चेक होता है, इसलिए इन्हें हम कहेंगे एंट्री कंट्रोल लूप। अब इनके सिंटैक्स को प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है, लेट यूजर इनपुट ओनली पॉजिटिव नंबर्स, यानी के यूजर नंबर इनपुट करेगा जब तक कि वो नंबर पॉजिटिव है। अब ये तो नंबर इनपुट होने के बाद ही पता चलेगा कि वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं। इसका मतलब यहाँ हमें एग्जिट कंट्रोल लूप यानी के डू व्हाइल लूप लिखना होगा। अब इस प्रोग्राम में हमने यूज किया है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट जो जावा डॉट यूटिल पैकेज में है, और इनपुट के लिए लिखे हैं दो स्टेटमेंट। पहला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो इंडिकेट करेगा कि यूजर को पॉजिटिव नंबर एंटर करना है, और दूसरा स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट मेथड जो इंटीजर टाइप का वैल्यू ही इनपुट करेगा। अब क्योंकि जैसे कि हमने देखा था ये दो स्टेटमेंट हमें लिखने होंगे एग्जिट कंट्रोल यानी के डू व्हाइल लूप में, इसलिए यहां व्हाइल के ब्रैकेट में हमने पॉजिटिव नंबर के लिए कंडीशन लिखा है जो है नंबर ग्रेटर देन जीरो, यानी के यूजर जो इनपुट करेगा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब इसका आउटपुट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक्सेप्ट अ पॉजिटिव नंबर एंड डिस्प्ले इट्स रिवर्स। इस प्रोग्राम का लॉजिक समझने के लिए अज्यूम करते हैं कि हमारा नंबर है 563। अब इस नंबर का लास्ट डिजिट हमें मिलेगा जब हम इस नंबर का रिमाइंडर 10 से देखेंगे, यानी के 563 के लिए रिमाइंडर वैल्यू होगा 3। अगर इस नंबर से ये रिमाइंडर का वैल्यू हम रिमूव करेंगे तो नंबर होगा 56, यानी के इस नंबर को हमें नंबर डिवाइड बाय 10 असाइन करना है। अब अगर हम रिमाइंडर देखेंगे तो वो हो जाएगा 6। इस तरह से जब तक हमारा नंबर जीरो नहीं होता हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। अब देखना यह है कि यह एंट्री कंट्रोल लूप है या एग्जिट कंट्रोल। तो यहाँ पे हमें कंडीशन पॉजिटिव नंबर के लिए देखना है, यानी कि नंबर एंटर करने के इमीडिएट बाद देखना है, इसलिए ये हो जाता है एंट्री कंट्रोल लूप यानी कि व्हाइल लूप या फॉर लूप। अब देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें नंबर एंटर करना है, और जैसे कि हमें पता है स्कैनर क्लास के नेक्स्ट इंट मेथड से हम ये कर सकते हैं। अब हमें लिखना है एंट्री कंट्रोल लूप और हम लिखेंगे व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में हमें सिर्फ रिमाइंडर दिखाना है और नंबर का वैल्यू 10 से डिवाइड करके चेंज करना है, इसलिए
हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और जिसमें हमने रिमाइंडर लिखा है और फिर हमने नंबर का वैल्यू डिवाइड किया है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमने एंट्री कंट्रोल लूप यूज किया है, तो हम फॉर लूप भी लिख सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ कंडीशन यूज करना है और फॉर लूप के तीन पैरामीटर्स है। फॉर लूप जनरली रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि डिस्प्ले 1 to 10 नंबर्स, या फिर डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज, या फिर एक्सेप्ट नंबर एंड डिस्प्ले इट्स टेबल, इस तरह के प्रोग्राम के लिए। फॉर लूप में ये जो तीन पैरामीटर्स है, ये सारे ही पैरामीटर्स ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ सेमीकोलन लिखना कंपलसरी होता है। पहला पैरामीटर है इनिशियलाइजेशन, जिसमें हम वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ हम मल्टीपल वैल्यूज भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यूज करना होगा कॉमा सेपरेटर। जावा में C++ की तरह कॉमा ऑपरेटर नहीं है। सेकेंड पैरामीटर है कंडीशन, यहाँ भी हम मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं और इसके लिए हमें यूज करना होगा लॉजिकल ऑपरेटर एंड या और। थर्ड पैरामीटर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल्स, जिसके लिए हम प्लस प्लस, माइनस माइनस या फिर कोई शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ भी कॉमा सेपरेटर यूज करके हम मल्टीपल वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन जो है डिस्प्ले द फॉलोइंग टेबल, इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमने ये कोड लिखा है। अब क्योंकि यहाँ हर कॉलम का स्टार्ट वैल्यू अलग है और तीन कॉलम्स है, हमने तीन काउंटर I, J और K यूज किए हैं। इन्हें हमने कॉमा सेपरेटर यूज करके स्टार्ट वैल्यू असाइन किया है। यहाँ सेमी कॉलन से इनिशियलाइजेशन पैरामीटर सेपरेट होगा और सेकेंड पैरामीटर पे जाएगा, जो है कंडीशन चेक। यहाँ कंडीशन लिखा है काउंटर I के लिए, जो 10 पे एंड होगा। अब बाकी के काउंटर के लिए हमें कंडीशन लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो भी आय का कंडीशन फॉल्स होने पे एंड हो जाते हैं। फिर होगा ब्लॉक स्टेटमेंट, यहाँ हम डिस्प्ले कर रहे हैं तीनों काउंटर का वैल्यूज आय, जे और के, जिसके लिए हमने यूज किया है सी प्रोग्राम की तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेफ कमांड से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ हमने इन टाइप का वैल्यू यूज करना है, इसलिए हमने लिखा है %d और /t यूज किया है टैप स्पेस के लिए। 3% लिखे हैं तीन वेरिएबल्स के लिए। अब नेक्स्ट होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल। यहाँ हमने i का वैल्यू इंक्रीमेंट किया है, j का डिक्रीमेंट और k का इंक्रीमेंट किया है। इस तरह से कंडीशन चेक, फिर ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन और फिर वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का प्रोसेस रिपीटेडली होता जाएगा, जब तक कि आई का वैल्यू 11 नहीं होता। अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब देखते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स क्या है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो को चेंज करने में हेल्प करते हैं। जावा में तीन ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं, रिटर्न, ब्रेक और कंटिन्यू। रिटर्न स्टेटमेंट मेथड को टर्मिनेट करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट स्विच ब्लॉक या किसी भी लूप को टर्मिनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने फॉर लूप के पैरामीटर्स, जो कि ऑप्शनल होते हैं, वो नहीं लिखे हैं। लूप स्टार्ट होने के पहले
हमने वेरिएबल i का वैल्यू इनिशियलाइज किया है जो है 1। फिर हमने i का वैल्यू डिस्प्ले किया और इंक्रीमेंट किया। इसके आगे हमने कंडीशन लिखा है जिसका रिजल्ट अगर ट्रू आता है तो ये लूप एंड होगा, क्योंकि इस कंडीशन के आगे हमने लिखा है ब्रेक स्टेटमेंट जो लूप को टर्मिनेट करता है। इसका मतलब ये प्रोग्राम आई को 1 से लेके 10 तक डिस्प्ले करेगा और जैसे ही आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद 10 से ग्रेटर यानी 11 हो जाता है तो ब्रेक स्टेटमेंट इस लूप को टर्मिनेट करेगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट आगे के स्टेटमेंट्स को स्किप करेगा और कंट्रोल को लूप के स्टार्ट पे ले जाएगा। जैसे कि यहां ये व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक i ग्रेटर देन 10 नहीं होता। अब क्योंकि इनिशियल वैल्यू है 1, ये डिस्प्ले करेगा 1 और पोस्ट इंक्रीमेंट है इसलिए इंक्रीमेंटेशन बाद में होगा। अब क्योंकि ये वैल्यू अब 2 यानी इवन है, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यानी के नेक्स्ट लाइन के लिए जो डिस्प्ले स्टेटमेंट लिखा है वो स्किप करेगा और लूप के स्टार्ट में जाएगा। अब फिर से आई का वैल्यू यानी 2 डिस्प्ले करेगा और आई को इंक्रीमेंट करेगा यानी के आई का वैल्यू हो जाएगा 3। अब आई का वैल्यू इवन नहीं है इसलिए नेक्स्ट लाइन डिस्प्ले होगा और लूप रिपीट होगा। इस तरह और फिर इवन फिर नेक्स्ट लाइन, ऐसे 10 तक वैल्यू डिस्प्ले होने पर लूप का कंडीशन फॉल्स होने के वजह से ये लूप एंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि लेबल लूप क्या होता है। यहाँ हमें अब पता है कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। जावा में सी और सी प्लस प्लस की तरह गो टू लेबल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ब्रेक और कंटिन्यू कमांड्स के साथ हम लेबल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रोग्राम में हम 2 से 50 तक प्राइम नंबर्स डिस्प्ले कर रहे हैं जिसके लिए हमने नेस्टेड लूप यूज किया है और आउटर लूप के पहले हमने लेबल यूज किया है जिसका नाम हमने लिखा है लूप 1 और आगे लिखा है कोलन। हर लेबल के आगे यहां हमें कोलन लिखना जरूरी है। आउटर लूप 2 से 50 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और इनर लूप 2 से वैल्यू ऑफ i माइनस 1 तक एग्जीक्यूट होगा, यानी के आउटर लूप के काउंटर से 1 कम तक एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे कि हमें पता है प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जो सिर्फ 1 और खुद से ही डिवाइड होते, यानी के इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते जिससे ये डिवाइड होता है। इसलिए अगर इनर लूप आउटर लूप के काउंटर यानी आई के वैल्यू को किसी भी वैल्यू ऑफ जे यानी कि 2 से आई माइनस 1 तक के वैल्यू से डिवाइड कर पाता है तो हमें इस लूप को टर्मिनेट करना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे तो इनर लूप ही टर्मिनेट होगा और उसके आगे जो डिस्प्ले स्टेटमेंट लिखा है वो तो रन होगा, लेकिन हमें सिर्फ प्राइम नंबर ही डिस्प्ले करना है, बाकी नंबर्स नहीं, यानी कि हमें इस डिस्प्ले स्टेटमेंट को स्किप करना है। जब ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये स्किप होना चाहिए। और जैसे कि हमने पहले देखा था, आगे के स्टेटमेंट को स्किप करने के लिए हम कंटिन्यू कमांड यूज करते हैं, लेकिन यहां अगर हम सिर्फ कंटिन्यू लिखेंगे तो इनर लूप ही कंटिन्यू होगा, आउटर लूप तो नहीं, यानी आउटर लूप का डिस्प्ले स्किप करना है और आउटर लूप को कंटिन्यू करना है। इसलिए यहां हम लिखेंगे कंटिन्यू लूप 1। अब लूप 1 क्या है? लूप 1 आउटर लूप के पहले लिखा हुआ लेबल जो आउटर लूप का आइडेंटिफायर है। इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लूप के और बहुत से एग्जांपल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक करना भी मत भूलिए।